कन्या राशि वालों के लिए होली 2020 का राशिफल है ये। और जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि दिल की खुशी और तमन्ना की होली है इस बार। होली मतलब वैसे होली नहीं है कि जिसमें आप बोलें कि भाई सब कुछ जल रहा है, नहीं वो वाली होली नहीं है। होली मतलब खुशी की, खुशी त्योहार, त्योहार अच्छा है, खुश दिल है इस बार, इस बात की बात करेंगे। ओके तो शुरू करते हैं। अब देखिए ऐसा है कि कन्या राशि वाले विशेष तौर पे बड़े ही परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर चीज़ बड़े ही कायदे से करते हैं और बड़े इमोशनल होते हैं और मोस्टली अपने दिल की तमन्नाएं किसी के ऊपर जाहिर नहीं करते हैं और बताते नहीं है कि भी जो है मतलब क्या होने जा रहा है या क्या करना चाहते हैं, किसी के लिए दिल में अरमान पाल के बैठे होते हैं। और जब होली के टाइम पे क्या होता है, होली के टाइम पे भाई साहब इनके बड़े लंबे चौड़े प्लान्स होते हैं कि भाई हम होली पे ये करेंगे वो करेंगे, काश एक झलक दिख जाए या एक मतलब एक बार दर्शन हो जाए तो जो है ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह के पूरे बहुत सारे प्लान्स बना के चलते हैं। और इस बार की होली में खास क्या है आपके लिए कि आप एक काफ़ी बड़े ग्रुप के साथ में आप होली होली का आप आनंद लेंगे। जनरली कन्या राशि वालों को शोर शराबा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता, मतलब जनरली तो ये एकाकी स्वभाव के लोग बाग होते हैं और अंतर्मुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं होता, आर्टिस्टिक होते हैं। लेकिन दिल की तमन्नाएं प्योर होती हैं बिल्कुल, जो इनके दिल में जो भी किसी के लिए भावनाएं होती हैं एकदम से प्योर होती हैं और होली के टाइम पर वो भावनाएं जो है हिलोरे ले रही होती है। लेकिन प्यार की और प्यार हो या जिंदगी हो या कोई बिजनेस का और भी कोई व्यवसाय हो, ये हर चीज़ को एक तरीके से प्योरेस्ट फॉर्म में लेकर के चलते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का इनको धोखेबाजी या किसी भी प्रकार का लाग लपेटे, किसी भी प्रकार का शो ऑफ नहीं चाहिए। तो इस वाले होली पर आपके साथ में क्या होने जा रहा है कि काफ़ी रोमांचक होली होगी आपकी। और अगर देखा जाए, अगर आप महिला हैं या अगर आप लड़की हैं या अगर आप नवयुवक हैं तो खास तौर पे आपको देखने के लिए कोई इस बार आपको आ सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई खास तौर पे आपको देखने के लिए इच्छुक हो और सिर्फ आपके लिए ट्रैवल करे, ओके कि हमको आपसे मिलना है और आपको देखना है, हो सकता है आपसे बात भी ना करे। और यही विचार आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आप किसी को आप सोचें कि भाई मुझको सिर्फ इसको होली पर देखना है, मतलब और बात करने की तमन्ना भी नहीं है और बात करने की हिम्मत भी नहीं है और बात करने का कोई प्रयोजन भी नहीं लगता आपको, बट जस्ट अ सीक्रेट एडमायरर इधर फ्रॉम योर साइड और द सीक्रेट एडमायरर फ्रॉम हिज साइड मे बी वॉचिंग यू। और कोई और इस तरह के उस पर कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग यानी कि कोई मादक पदार्थों का सेवन ना करें, कन्या राशि वालों के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है क्योंकि एक तो तरीके से काफ़ी भावनाओं में बह रहे होते हैं होली पर और ऊपर से जो है कोई इंटॉक्सिकेटिंग पदार्थ भी अगर बॉडी के अंदर जाएंगे तो सही नहीं होते। दिल की खुशी और तमन्ना की होली है इस बार आपका ये वाला साल जो है कन्या राशि वाले, कन्या राशि वाले किसी भी साल में हो विशेषकर इस वाले साल में तो गजब का कमाल उठाएंगे आप। ओके और किस किसी के साथ भी होली खेलें, पूरे तमन्ना के साथ में होली खेलें और पूरे इच्छाओं के साथ में होली खेलें। और इस होली पर आप विशेष तौर पर अपने परिवार के साथ रहेंगे और बहुत बढ़िया एंजॉय करेंगे और जिनकी शनि की 7.5 चल रही है आप कुछ लोगों को माफ़ भी कर देंगे इस बार कि चलो यार तुमको माफ़ किया, ठीक है कि जाओ तुमको माफ़ किया, तुमको माफ़ करते हैं पूरे दिल से। काफ़ी लोगों को माफ़ करेंगे, काफ़ी लोगों के करीब आएंगे, काफ़ी लोगों के साथ आप जुड़ने की कोशिश करेंगे इस होली पर। और आपकी ये होली बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगी इस बार, आपकी होली छुट्टी रहेगी, शॉर्ट रहेगी क्योंकि आपको तुरंत हो सकता है कोई काम पहले से ही आपने बिछा के रखे हों कि भाई हमको जो है ये काम तुरंत इसके बाद में ये वाले काम करने हैं ज़िंदगी के बाकी के हिस्से में, क्योंकि मार्च का महीना अभी आपके सामने बाकी पड़ा हुआ है और काफ़ी कुछ आपको अचीव करना है मार्च के महीने में। लेकिन आपने ये होली पे विशेष तौर पे आपने ब्रेक लेकर के अब इसको ठीक करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको मार्च के महीने में ठीक करनी है और काफ़ी सारा मामला है
व्यवसाय के लेवल पे, स्तर पे, रिलेशनशिप के लेवल पे, जो कि आप इस महीना आप ठीक करेंगे और होली भी काफ़ी हद तक बढ़िया शानदार तरीके से इंजॉय करेंगे. हैव अ वेरी नाइस होली एंड इन्जॉय, दिस इज़ अ वेरी लाइटफुल डे. ओके, ऑलराइट देन, ग्रेट, गॉड ब्लेस यू.